ब्यूटी पेजेंट्स मजेदार तो होते हैं, पर सब एक जैसे होते हैं। पर अगर ब्यूटी पेजेंट अलग हो तो, जैसे कि वो स्क्विड गेम के बीच में ब्यूटी पेजेंट करा दे। हाँ सही में, ये कुछ बहुत अनोखा होने वाला है। जरा गार्ड को देखो, अगर उसने मास्क ना पहना होता तो हम उसकी बड़ी स्माइल देख पाते। चलो अपने गेम पर वापस आते हैं। ये अभी भी स्क्विड गेम है। हमारे अनोखे कॉन्टेस्ट में स्वागत है। कैरोलाइन, मिया और हेना की आंख कॉलेज में नहीं खुली। जल्द ही उन्हें पता चला कि जो भी उनके साथ हुआ वो सपना नहीं है। वो काफी अजीब लोगों को देख रही है जिन्होंने स्क्विड गेम की सबसे सुंदर लड़की होने का टाइटल और प्राइजेस पकड़ रखा है। हर ब्यूटी पेजेंट में टैलेंट शो होता है, यही चीज चाहिए थी। और ये उन्हें और भी मजेदार बनाती है और जजेस को भी पसंद आता है। हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत टैलेंटेड है। हेना बहुत अच्छी डांसर है और मिया एक राइजिंग स्टार है, लेकिन जजेस खुश नहीं है। मिया स्कोर से खुश नहीं है। इस रात की सबसे अच्छी सरप्राइज कैरोलाइन है। वो अच्छी डांसर नहीं है, पर उसके मूव्स बहुत अजीब है जिससे जजेस बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। इसलिए उन्होंने उसे कुछ पॉइंट्स दे दिए क्योंकि उन्हें लगा कि उसे चोट लगी है। बेहतर होगा उसे उसके दुख से बाहर निकाल दें। और वो जीत गई। ये गेम्स बहुत अच्छी है और सारे टास्क नए हैं। प्लेयर्स तैयार हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट में समय है। ये मुश्किल हो सकता है। इन लड़कियों को मेकअप में घंटों लगाने की आदत है, लेकिन उनके पास समय कम है। मिया सबसे तेज है। वो बहुत सारी डेट्स के लिए पूछी गई है, इसलिए उसे पता है कि जल्दी मेकअप कैसे करते हैं। वो इस काम में माहिर है, बहुत टैलेंटेड है। कैरोलाइन उससे इम्प्रेस हो गई और उसकी तरह बनना चाहती है। मिया ने इसे इतनी आसानी से नहीं किया कि कैरोलाइन को लगा कि वो भी कर सकती है, लेकिन ये काफी नहीं था। अगर ये आसान होता तो ये सीक्रेट टेक्निक नहीं होती, इसलिए हेना जल्दी नहीं कर रही है। मिया इस राउंड को पहले ही जीत चुकी है। कैरोलाइन को पता है उसके जीतने के चांस बहुत कम है अगर वो रूल्स फॉलो करती रही तो। अगर वो जीतना चाहती है तो उसे चालाकी करनी होगी, जैसे कि वो पता लगा ले कि अगला टास्क क्या है या कुछ सीक्रेट्स रख ले। ऐसा लगता है गार्ड्स फ्रंट मैन को टॉर्चर कर रहे हैं, पर वो हार नहीं मान रहा। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये टॉर्चर नहीं है, ये तो वैक्सिंग है। अब कैरोलाइन को पता है कि अगला टास्क क्या है। इसका चिकने पैरों के साथ कुछ लेना देना है। कैरोलाइन को अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा चिकना बनाना होगा। उसे शुगरिंग नहीं चाहिए, उसे इससे डर लगता है। पर उसको पता नहीं लगा कि मिया ने उसे सब करते देख लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मिया जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है। इस सुबह कैरोलाइन को बहुत बुरा सरप्राइज मिलेगा। पैरों पर फिर से बाल आ गए। क्या ये जादू है? कैरोलाइन इतनी भोली है कि उसे पता भी नहीं है कि ये शरारत मिया ने की है और उसने मिया से ही मदद मांगी। अपने ब्राउज पर ट्वीजिंग करना मुश्किल है और इसके लिए आप अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई हंस नहीं रहा था, बस सब डर रहे थे। मिया की वजह से कैरोलाइन का एक आईब्रो हमेशा ऊपर रहेगा और दूसरे वाला हमेशा नीचे। कैरोलाइन अब समझ रही है कि उसके साथ क्या हुआ है। शुरुआती कुछ राउंड से उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसने अगले राउंड के प्रॉप्स ही खा लिए। हमें प्लेयर्स को खाना खिलाना चाहिए था, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएंगे। और
फिर किसे पता कि हम गेम्स को पूरा कर पाएंगे या नहीं। कैरोलाइन को पता है कि मिया भरोसे लायक नहीं है और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसने मिया के सारे प्रैंक्स का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। मिया अपने बाल सीधे करने में काफी समय लगाती है, तो कैरोलाइन इसका इस्तेमाल कर सकती है। ओह, काफी शातिर है। कैरोलाइन को पता है कि मॉइस्चर स्ट्रेट बालों का क्या हाल करेगा। सुबह मिया अलग दिख रही है, लेकिन उसे पता नहीं लगा और उसने कैरोलाइन को फिर से परेशान कर दिया। लेकिन जल्दी उसे पता लगा कि वो अकेली प्रैंक करने वाली नहीं है। वैसे कैरोलाइन को उसका नया लुक पसंद आया। यहाँ काफी टास्क बाकी है, लेकिन हम इस बार टग ऑफ वॉर नहीं खेलेंगे बल्कि हम आउटफिट चैलेंज करेंगे। पर जब आपके पास कपड़े कम हो तो टग ऑफ वॉर तो होगी ही, है ना? और मिया एक ब्लेजर के लिए लड़ रहे हैं, जो दोनों को ही पसंद है। कैरोलाइन क्या कर रही है? उसने यूनिकॉर्न कॉस्ट्यूम चुन ली है। कैरोलाइन बहुत अजीब लड़की है, जैसे कि वो किसी दूसरे प्लैनेट से है। वो अपनी उंगलियों से पानी पी सकती है। इसके आगे मिया का प्राण कुछ नहीं है। क्या वो भी ऐसा कर सकती है? भले ही वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी उंगलियां पानी नहीं खींच सकती है। इतनी मेहनत के बाद अब बस उसे बाथरूम जाना पड़ेगा। अगला टास्क स्किन केयर से जुड़ा है। मिया और हैना को पता है कि क्या करना है, लेकिन कैरोलाइन अभी भी भूखी है। उसे डाइटिंग की आदत नहीं है। खुद को भूखा क्यों रखना जब तुम्हारी बॉडी को खाना चाहे? कैरोलाइन ने अपना मास्क खा लिया। न्यूट्रिएंट्स लेना इस पेजेंट से ज्यादा जरूरी है, लेकिन इन गेम्स के ऑर्गेनाइजर को सुंदर होना पसंद है। तभी उसने अपने मास्क के लिए भी मास्क बनाया है, तो कैरोलाइन को भी एक ऐसा चाहिए। लेकिन कैसे? ओहो, कैरोलाइन बुक वाला मास्क। शायद वो ये गेम ना जीते, पर वो इस दुनिया की सबसे अजीब लड़की जरूर है। गार्ड को अभी भी पता नहीं चला कि बुक कैसे खत्म हो गई, पर कैरोलाइन को फेस मसाज मिल गई। कम से कम लगता तो यही है। हाँ मिया, देखो मत, हैना ने अभी अपनी चालें नहीं चली है, लेकिन जितना वो फाइनल के करीब आएंगे मुश्किलें और बढ़ेंगी। प्यार और स्क्विड गेम में सब जायज है। वो मिया को अपने लिए खतरा समझती है, इसलिए सबसे पहले वो उसी को टारगेट करेगी। ऐसा लगता है कि मिया को पता है कि कुछ गड़बड़ है। एक बुरे सपने ने उसे उठा दिया और उसने मूंछ को नोटिस कर लिया। अब मार्बल गेम भी अलग है। जैसे कि ये सारी गेम्स ब्यूटी से जुड़ी है, तो मार्बल्स पता लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्हें एक लिप प्रोडक्ट लगाना है। मिया की किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन कैरोलाइन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। आखिरकार ये स्नैक का समय है। पानी और अंडे से काफी कैलोरीज मिल जाती है ना? मिया और हैना खुश हैं, पर कैरोलाइन अभी भी भूखी है। उसके बड़े दिमाग को चलाने के लिए उसे और खाना चाहिए। वो सोच रही है कि काश वो भी मिया जैसी डाइट पर होती। एक बड़ा बर्गर और डाइट कोक। दूसरी तरफ अब जब मिया ने बर्गर खा लिया है, तो अब उसे अंडा नहीं चाहिए। कैरोलाइन बहुत खुश है। अगर उसे ऐसा मौका मिलेगा तो वो बिना रुके खाएगी। लेकिन गार्ड्स अपनी कैलोरीज का ध्यान रख रहे हैं और एक्स्ट्रा खाने को खत्म कर रहे हैं। हम डरावनी डॉल को नहीं भूल सकते। वो शो वाली की तरह है। अगर वो नहीं देख रही है तो भागो।
अगर वो देख रही है तो रुक जाओ और पोज बनाओ। डॉल एक फोटोग्राफर है, जिसे ज्यादा लाइक मिलेंगे वो इस राउंड का विनर होगा। तो इस स्क्विड गेम की ब्यूटी क्वीन कौन है? किसे पता है कि मास्क के नीचे कौन है? हमें बस इतना पता है कि उसे ब्यूटी से प्यार है। वो चाहता है कि सब उसे सुंदर समझे, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो कभी अपना मास्क उतार नहीं सकता और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो कितना सुंदर है। ओह बेकार मास्क, दुनिया खूबसूरत लोगों के लिए इतनी मतलब ही क्यों है? ग्लास ब्रिज वाला टास्क बदल गया है, ये अब रनवे वॉक चैलेंज बन गया है। ये आसान लगता है ना, लेकिन ये मुश्किलों से भरा है। ये ब्यूटी पेजेंट नॉर्मल जैसा है, पर बस रनवे पर कोई चाल पीछे है। आप सिर्फ रनवे वॉक नहीं कर सकते, आपको आखिर तक सरवाइव करना होगा। कैरोलाइन ग्रेसफुल नहीं है तो क्या हुआ? वो अकेली है जिसने ये रनवे पूरा पार किया है। हम काफी लेवल से गुजरे हैं और पॉइंट्स को गिनना बहुत मुश्किल है। लड़कियां नहीं गिन रही थी, लेकिन हम गिन रहे थे और शायद आपको रिजल्ट चौंका दे। भले ही कैरोलाइन फर्स्ट आई है, पर वो विनर नहीं है। फ्रंटमैन ने खुद को अवार्ड दे दिया है क्योंकि उसके और उसकी ग्रैंडमा के हिसाब से उससे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। दूसरे बच्चों की तरह निक ये नहीं कह सकता कि उसकी मॉम की नॉर्मल जॉब है, क्योंकि वो स्क्विड गेम चलाती है। ऐसी जॉब की वजह से अपने बच्चे पर नजर रखना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने निक को अपने साथ बुला लिया, लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। निक को लगा ये यूनिफॉर्म एक प्रेजेंट है और वो गलती से अपने बर्थडे वाले दिन गेम में आ गया। वो यहाँ नहीं आ सकता, पर उसकी मॉम भी रूल्स नहीं तोड़ सकती जो उसने खुद लिखा है। कोई सुनवाई नहीं। अब निक को ये गेम खेलनी होगी। निक को मजा आ रहा है, उसे पता नहीं है कि क्यों लोग इस गेम से इतना डरते हैं। ये कितना मजेदार है, बढ़िया कॉस्ट्यूम्स और मजेदार गेम्स। तुम अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो या ड्रेसअप हो सकते हो। मॉम ने इस गेम में बहुत पैसे लगाए हैं। निक इस गेम की जान बन गया है, वो सबको खुश भी कर रहा है, लेकिन सब उससे परेशान भी है। जब से निक डॉल बना है, ये गेम और मुश्किल बन गई है। अगर निक को उल्टी नहीं आती तो इस चैलेंज को पूरा करना नामुमकिन हो जाता। भले ही मॉम अपने काम में अच्छी हो, पर यहाँ कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं है, इसलिए मिनियंस यूनियन ने रिक्वेस्ट की है ताकि बाथरूम को पहचानना आसान हो जाए। इन सभी शेप्स को समझना मुश्किल है। निक को फर्क नहीं पड़ता कि अब वो गेम में है। वो मिनियंस को परेशान करके खुद मजे करता रहता है। वो काफी सीरियस रहते हैं। उनको चीयर कैसे कर सकते हैं इस जूते से? निक की वजह से गेम्स काफी मजेदार हो गई है, सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं बल्कि स्टाफ के लिए भी। निक का नजरिया काफी अनोखा है। टग ऑफ वॉर खेलते समय उसने रूल्स बदलने का सोचा। एक इनविजिबल रस्सी कहीं बेहतर होगी। वैसे प्लेयर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया, पर वो मालिक के बेटे के साथ बहस नहीं कर सकते। लड़कियों के जीतने का चांस ही नहीं है। निक इनविजिबल टग ऑफ वॉर में माहिर है, वो विक्ट्री डांसेस में भी माहिर है। ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखते देखते आपका भी डांस करने का मन करने लगेगा। अगले दिन निक सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेयर बनकर उठता है। हर कोई उसकी टीम में आना चाहता है, शायद इसलिए क्योंकि वो गेम्स में माहिर है या इसलिए कि उसकी मॉम बॉस है। अब निक अपनी टीम को तैयार कर रहा है। वो इतना अच्छा कर रहा है कि उसकी मॉम को भी उस पर नाज होता है, और सिर्फ मॉम ही नहीं गार्ड्स भी खुश है।
खाली पेट वर्कआउट करना बेकार है, इसलिए हम लंच ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ ज्यादा खाना नहीं है और निक थोड़ा उदास है। जाहिर है उसकी मॉम ने देख लिया। वो चाहती है उसका बेटा पेट भरकर खाए, इसलिए वो उसके लिए हर दिन खाना बनाती है। सभी को पता है निक को यहाँ सब कुछ खास मिलता है। आईवी और जेनी ज्यादा दुखी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि निक का खाना कैसे लेना है। उसे बस थोड़ा चिढ़ाओ। जब निक बाथरूम गया तब उसने देखा कि वो वेंट से भाग सकता है, लेकिन उसे किस रास्ते जाना चाहिए। वो अपनी मॉम के ऑफिस के ऊपर से जा रहा था, तभी उसने कुछ अजीब देखा। और उसे इसका पता लगाना होगा। उसकी बेबी पिक्चर का एक हिस्सा गायब था। क्या उसका कोई भाई या बहन है? उसकी मॉम क्या छिपा रही है? निक के पास कई सवाल है। लेकिन उसे तब तक जवाब नहीं मिलेगा जब तक कि उसका अपने जुड़वा भाई से आमना सामना नहीं होगा। निक से अलग उसे नॉर्मल गार्ड बनकर काम करना पड़ता है, पर एक दिन उसने गिफ्ट्स बदल दिए। निक को इस सबकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगता है, क्या वो सब कुछ वापस ठीक कर पाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट में बताएं और हमारी बाकी वीडियोस को देखना ना भूलें। ट्रुम ट्रुम ट्रिक पर फिर मिलेंगे।